सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अमय एंड वेलकम टू द सी प्लस प्लस वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस की एक नई प्लेलिस्ट। इसमें हम पूरा सी प्लस प्लस सीखेंगे। तो हम क्या सीखने वाले हैं ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कोर्स है ये हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फेज वन और फेज टू। स्टार्टिंग में फेज वन में हम क्या पढ़ेंगे, तो ओवरव्यू ऑफ सी की सी क्या है, उसके बाद उसके एक्सप्रेशन, सी में कौन से एक्सप्रेशन है, फिर स्टेटमेंट्स, इफ इफ एल्स लूप वगैरह। उसके बाद एरे देखेंगे हम सी सी में, नल टर्मिनेशन स्ट्रिंग देखेंगे, स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करना वो देखेंगे हम सी में। उसके बाद पॉइंटर्स क्या है सी के, उसके बाद पॉइंटर्स सी में पॉइंटर्स कैसे यूज होते हैं, हम कैसे उसको मैनिपुलेट करेंगे। उसके बाद फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स देखेंगे, यूनियंस देखेंगे हम सी में, इनमरेशंस क्या होते हैं, इनमरेशंस को यूज कैसे करना वो हम देखेंगे सी में। उसके बाद सी टाइप इनपुट आउटपुट कंसोल देखेंगे कि कंसोल के साथ हम कैसे इंटरेक्शन करते हैं सी लैंग्वेज में। उसके बाद हम फाइल इनपुट आउटपुट देखेंगे कि हम फाइल को कैसे यूज कर सकते हैं या फाइल से डेटा कैसे रिट्राइव कर सकते हैं हम सी में। उसके बाद प्री प्रोसेसर्स क्या रहते हैं सी में वो देखेंगे, और कमेंट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद ये होगा, ये हो गया फेज वन। फेज टू में क्या देखेंगे हम, फेज टू में हम देखेंगे सी प्लस प्लस क्या है, ठीक है, सी प्लस प्लस क्या है ये देखेंगे हम। फिर उसके बाद देखेंगे हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है, फिर क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद एरेज क्या है सी प्लस प्लस में, और सी में डिफरेंस देखेंगे कि सी और सी प्लस प्लस और सी में क्या डिफरेंस है एरेज में। उसके बाद पॉइंटर्स देखेंगे, उसके बाद रेफरेंसेस क्या होते हैं, एंड द डायनेमिक एलोकेशन ऑफ ऑपरेटर्स ये क्या होता है ये देखेंगे हम। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग देखेंगे, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये देखेंगे हम सी प्लस प्लस में, फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, इसका यूज क्या है ये देखेंगे हम। फिर उसके बाद व्हाट इज इनहेरिटेंस, ये बेस्ट टॉपिक है उप्स कंसेप्ट का, ये देखेंगे इनहेरिटेंस कैसे होता है सी सी प्लस प्लस में, क्या होता है इनहेरिटेंस, कैसे करते हैं इनहेरिटेंस ये देखेंगे। फिर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं ये सी प्लस प्लस में कैसे इंप्लीमेंट होते हैं ये देखेंगे। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके बाद टेम्पलेट्स क्या होता है, कैसे यूज करना है, और उसकी जरूरत क्यों है सी प्लस प्लस में ये हम देखेंगे। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडल को यूज कैसे करना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना ये हम देखेंगे। उसके बाद सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट सिस्टम कंसोल कैसे होता है ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फाइल इनपुट आउटपुट, मतलब सी प्लस प्लस में फाइल इनपुट आउटपुट कैसे करना है ये देखेंगे हम। उसके बाद रन टाइम आईडी क्या होता है सी प्लस प्लस में ये हम देखेंगे, फिर कास्टिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में ये भी हम देखेंगे। उसके बाद नेम स्पेसेस क्या होता है ये भी देखेंगे हम। उसके बाद कन्वर्जेशन फंक्शन एंड अदर एडवांस टॉपिक, उसके बाद जो सी प्लस प्लस में एडवांस टॉपिक है जो माइनर्स है, मतलब वो इतना कुछ कवर नहीं करते बट वो इम्पोर्टेंट है समझना, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या होता है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे हम। उसके बाद कुछ फंक्शंस यूज करके देखेंगे अपन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज का। उसके बाद ये हो गए दो फेजेस। इसके बाद अगर कुछ बचा तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट फेजेस में, वो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम बाद में देंगे, ठीक है, वो मैं बाद में दूंगा आपको। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू ऑफ सी। क्या तो व्हाट इज अ सी, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम सबको पता है सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वो सी किसने डेवलप की थी और कब इन्वेंट हुई थी वो हम देखेंगे। तो सी वॉज इन्वेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय डेनिस रिची, ठीक है, ये डेनिस रिची बोल के एक प्रोग्रामर था, उसने ये सी लैंग्वेज इन्वेंट की। उसने कैसे इन्वेंट किए, तो पहले 1970s से पहले एक BCPL बोल के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, BCPL। तो BCPL के ऊपर एक बी बोल के लैंग्वेज, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्फ्लुएंट किया, मतलब इनहेरिट किया, क्या अपन बोल सकते हैं एक्सटेंड किया, ठीक है। फिर वो बी से ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की को बनाया गया डेनिस रिची ने। कब बनाया सी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज कब बनाया डेनिस रिची ने, तो 1970s में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची ने बनाया। फिर उसके बाद सी इज पोर्टेबल, ठीक है, मैंने लिखा इधर सी इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब क्या, पोर्टेबल मतलब कि अगर एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर में, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, वही प्रोग्राम अगर हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाने जाए तो वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है क्या, अगर वो हो रहा है तो उसे कहते हैं हम पोर्टेबल, दैट कोड इज अ पोर्टेबल,
टू ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स. मतलब अगर सी का प्रोग्राम अगर मैं यूनिक्स सिस्टम पे लिख रहा और वही प्रोग्राम अगर मैंने उठा के विंडोज में लिखा तो वो एग्जीक्यूट होगा, या सी का जो प्रोग्राम मैंने यूनिक्स पे कंपाइल किया है वही वही प्रोग्राम मैं विंडोज में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. ये इसे कहते हैं हम पोर्टेबल, इट्स अ पोर्टेबल लैंग्वेज. उसके बाद क्या है कि सी इज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज. अब स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज मतलब क्या? तो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज मतलब कि वी हैव टू फॉलो सम ऑफ द स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट दैट लैंग्वेज. मतलब कि अगर हमें सी प्रोग्रामिंग की एक प्रोग्राम लिखना है, सी सी लैंग्वेज में अगर हमें एक प्रोग्राम लिखना है तो हमें कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करने पड़ेंगे. वो स्ट्रक्चर हम देखेंगे बाद में, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, सी सी वॉज यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग. अब सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब क्या, ये बहुत बहुत जनों को सवाल आ गया कि व्हाट इज सिस्टम प्रोग्रामिंग. सो सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब ऐसे प्रोग्रामिंग जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम कर सकते, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है. सी वॉज यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब क्या कि वो सिस्टम को प्रोग्राम करने के लिए वो लैंग्वेज यूज हुई थी. तो वो कौन से टाइप की सिस्टम प्रोग्रामिंग हो सकती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम करना, जैसे कि विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, या किसके कौन से बेसिस पे प्रोग्राम हुआ है, तो ये सी सी पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, ये इसका बेस क्या है, तो सी है, ठीक है. फिर इंटरप्रेटर्स, अगर इंटरप्रेटर्स अगर अपने को कोड करना है तो अपन सी में कोड कर सकते हैं. फिर एडिटर्स हो गए, एडिटर्स भी हम सी में कोड कर सकते हैं. उसके बाद कंपाइलर्स, कंपाइलर्स को कोड करने के लिए सी लैंग्वेज यूज होती है. फिर इसके बाद फाइल यूटिलिटीज. अब फाइल यूटिलिटीज मतलब क्या कि जैसे फाइल सिस्टम है अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो फाइल सिस्टम है उसको अगर मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो इसीलिए सी लैंग्वेज यूज होती है. फिर उसके बाद क्या है, परफॉर्मेंस इनहांस, ठीक है. परफॉर्मेंस इनहांस मतलब क्या, तो सी इज अ फास्टेस्ट लैंग्वेज, ठीक है. उससे परफॉर्मेंस भी बेटरमेंट और स्पीड मिलता कौन से ही प्रोसेस को फिनिश करने के लिए, या कौन से भी प्रोसेस को फास्टली एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम कंजम्पशन है सी में, अगर हमने वही प्रोग्राम लिखा तो वो फास्टली होता है. फिर रियल टाइम एग्जीक्यूशन मतलब क्या कि हम एक शेड्यूल कर सकते प्रोग्राम, सी का प्रोग्राम, जहाँ पे ऑन पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल, मतलब 7:07 को ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो रियल टाइम एग्जीक्यूशन भी अपन अचीव कर सकते इससे. फिर डिवाइस ड्राइवर्स. अब डिवाइस ड्राइवर्स मतलब ड्राइवर्स, जैसे कि अब हम विंडोज में देखते कि माउस ड्राइवर्स हो गए, फिर उसके बाद माउस ड्राइवर्स, फिर कीबोर्ड ड्राइवर्स. ये जो ड्राइवर्स है जो कम्युनिकेशन करते कीबोर्ड हार्डवेयर टू द सॉफ्टवेयर, इसे भी प्रोग्राम करने के लिए सी लैंग्वेज यूज होते, ठीक है. तो ये हो गया सी वो यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज होता था. फिर उसके बाद क्या है, लाइब्रेरी एंड लिंकिंग. ये भी एक फंक्शनलिटी है कि लाइब्रेरी एंड लिंकिंग. अब लाइब्रेरी और लिंकिंग मतलब क्या, तो ये जो प्रोग्राम है उसको डिवाइड करना है, किस में डिवाइड करना है, स्मॉल पर्टिकुलर्स ग्रुप ऑफ कोड में, ठीक है, स्मॉल पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कोड में, और ये ग्रुप ऑफ कोड एक दूसरे से लिंक करना है, ठीक है, लिंक करना है. तो इससे क्या होगा कि ग्रुप जो प्रोग्राम है वो मेंटेन रहेगा, और दूसरी बात वो लिंक रहेगा एक दूसरे के साथ. मतलब अगर हम वन पीस ऑफ कोड पे अगर चेंजेस करते हैं तो वो दूसरों को रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और वो अपन लिंक बना सकते हैं एक दूसरे, एक फ्रॉम वन वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम, ठीक है. फिर सेपरेट कंपाइलेशन. अब सेपरेट कंपाइलेशन मतलब क्या, तो ये देखिए, फर्स्ट लाइब्रेरी एंड लिंकिंग है इसमें. लाइब्रेरी और लिंकिंग है मतलब क्या कि हम एक जो सिस्टम है, एक जो प्रोसेस है, उसे हम डिफरेंट सब प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. तो ये जो सब प्रोसेस, एक प्रोसेस की जो सब प्रोसेस हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो और वो जो सब प्रोसेस है उसको जब हम ग्रुप करते हैं तो उसे हम लाइब्रेरी कह सकते हैं, ठीक है. तो फिर वो लाइब्रेरी हम अब फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है जिसमें हम पूरे पूरे सिस्टम के, पूरे हार्डवेयर के फाइल्स हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, स्कैन कर रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं कि कौन सी फाइल कौन सी डायरेक्टरी में प्रेजेंट है, ठीक है. ये प्रोसेस बहुत लंबी भी चल सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हार्डवेयर में कितनी स्पेस अवेलेबल है और कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड है, ठीक है. तो ये लॉन्ग गोइंग प्रोसेस हो सकती है. तो लॉन्ग गोइंग प्रोसेस में कंपाइलेशन, ये जो प्रोग्राम है उसको कंपाइलेशन में टाइम लगेगा, ठीक है. ये अगर हमें पूरी सिस्टम्स चेक करनी है, अगर पूरी सिस्टम चेक करनी है तो उसका जो कोड है वो बहुत लेंदी होना होगा. तो फिर अगर लेंदी होगा तो फिर वो कंपाइलेशन में टाइम लेगा, ठीक है. तो
ये टाइम ना ले, इसीलिए वो प्रोग्राम को हम सब प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं, और उस सब प्रोग्राम्स को हम सेपरेटली कंपाइल कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को हम सेपरेटली कंपाइल कर सकते हैं। और अगर हमें चेंजेस करनी है किसी सब प्रोग्राम में, तो हमें पूरे पूरे प्रोग्राम्स को रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं है। हम किसी एक प्रोग्राम को जिसमें हमने चेंजेस किए है, उस प्रोग्राम में हम चेंजेस करके उसको सेपरेटली कंपाइल करके उसे मर्ज कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के। सो इट इज बेनिफिशियल टू मेंटेन द कोड ऑल्सो एंड द कंपाइलेशन प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया ओवरव्यू ऑफ सी। ठीक है, ये हो गया ओवरव्यू ऑफ सी। अब हम अगले अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स। ठीक है, अगर किसी को कोई सवाल है कि ओवरव्यू ऑफ सी में कोई सवाल है, या कोई सिलेबस में सवाल है कि इसमें और कुछ ऐड होना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।